गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड बाय जी एल फिंचेस। लेट अस स्टार्ट। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। वे कहते हैं कि हमें विश्वास रखना चाहिए, विश्वास जो है वो पर्वतों को पहाड़ों को हिला सकता है, बट किस में हमें अपने फेथ रखना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है स्टोरी जो है इसको डेलिकेटली पोजेस करती है कि हमें किस के प्रति और किस में विश्वास रखना चाहिए। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रियूंड, asking for 100 pesos. Does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. इस कहानी में एक लेंचो नाम का करेक्टर होता है जो कि किसान होता है। वो भगवान को पत्र लिखता है, वो भगवान को पत्र इसलिए लिखता है क्योंकि जो उसकी फसल है वो बर्बाद हो जाती है और उसे अपने जीने के लिए और दोबारा से खेती करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और इसलिए वो भगवान को पत्र लिखता है और भगवान से 100 pesos मांगता है। क्या लेंचो का जो पत्र है, लेंचो का जो लेटर है, वो भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वह घर अकेला ही था उस घाटी पे, उस जो घाटी जो है कैसी थी, छोटी घाटी थी, मतलब घाटी में था, एक हिल के ऊपर, एक पहाड़ की चोटी पे था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस ऊंचाई से, उस पहाड़ की ऊंचाई से एक पर्सन कोई भी नदी को देख सकता था और जो पकी हुई फसल है उसको देख सकता था, क्योंकि उसमें फूल आए हुए थे जो कि क्या, जिससे दिखता था कि भाई जो फसल है एक अच्छी होने वाली है, एक अच्छी फसल की तरफ इशारा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. सिर्फ जो धरती को, सिर्फ पृथ्वी को तो जरूरत थी सिर्फ एक डाउनपोर की। डाउनपोर मतलब होता है हैवी रेन, मूसलाधार वर्षा, या फिर एक बारिश, शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उस मॉर्निंग से, उस सुबह से लेंचो ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो क्यों नहीं किया, क्योंकि लेंचो जो अपनी फसल को इंटीमेटली बड़े अच्छे से घनिष्ठता से जानता था, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ आसमान में देखा और आसमान में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, किसी औरत को वो कह रहा है कि हम जल्दी ही कुछ पानी, पानी का मतलब यहां पर बारिश है, बारिश आने वाली है, जल्दी बारिश आने वाली है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." जो औरत जो रात का खाना है, supper, dinner तैयार कर रही थी, उसने reply किया, "Yes, जैसे भगवान की मर्जी, God willing." The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing in near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." जो बड़े बच्चे थे, वो खेत में काम कर रहे थे, और जबकि छोटे बच्चे जो थे, वो पास ही में, घर के पास ही खेल रहे थे, जब तक कि उसकी मम्मा ने बुलाया नहीं, उनकी मम्मा ने कहा नहीं कहा, आ जाओ बेटा खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ये खाने का ही समय था, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे गिरनी शुरू हुई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. जो north east direction में, जिस direction में लेंचो देख रहा था, वहां से ऐसा लग रहा था कि जो बड़े बड़े
पहाड़ जैसे बादल हैं वो आते दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो फ्रेश थी, स्वीट थी, ताजी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो लंच है वो बाहर गया, बाहर जाने का उसका मेन एम था कि वो जो बारिश हो रही थी उसकी बूंदों को अपने शरीर पर फील करना चाह रहा था, मजा लेना चाह रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। जो वापस आया वो खुशी से उसने कहा, ये जो रेन ड्रॉप्स है, जो ये पानी की बूंदे, जो बारिश की बूंदी है जो आकाश से गिर रही है, ये पानी की बूंदी नहीं है, ये जो है न्यू कॉइन्स है, नए सिक्के है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटल वंस आर फाइव्स। जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदे है वो उसको 10 सेंट पीसेस कहता है, और जो लिटल वंस है, जो छोटे है, उसको फाइव कहता है कि भाई ये 10 सेंट पीसेस है और जो छोटी है वो 5 सेंट पीसेस है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. वो संतुष्ट था, अपने संतुष्ट भाव में वो अपने खेतों को ऐसे देख रहा है कि जैसे ये चादर पर्दा ओढ़ के बैठा है, जो draped in a curtain of rain, draped का मतलब कवर, जैसे ये जो फसल है उसकी, जो उसके खेत है उसको बारिश ने कवर कर लिया है, वर्षा ने कवर कर लिया, रेन ने कवर कर लिया। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। अचानक से तेज हवा शुरू हो जाती है चलनी, और उसके साथ साथ हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स मतलब ओले, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, मानो ऐसे लगता था जैसे ये चांदी के सिक्के हो, न्यू सिल्वर कॉइन्स हो। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen fuels. जो बच्चे थे वो अपने आप को कह रहे थे कि यार चलो यार बाहर चलो, जैसे हमारे साथ होता है जब बारिश आती है, ओले पड़ते हैं, हम ओलों को कलेक्ट करने के लिए भागने पड़ जाते हैं, जबकि हमारे घर वाले कहते हैं बेटा बाहर मत जाओ बीमार हो जाओगे। इसी तरह से जो बच्चे थे वो भी अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे कि वो बाहर जाए, रेन का मजा ले, और जो फ्रोजन प्योर्स, फ्रोजन प्योर्स का मतलब यहाँ पर ओलों से ही है कि उनको इकट्ठा कर ले। It is really getting bad now. अब जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा बर्बाद सी, वो खराब सी होने लग रही थी। Exclaimed the man. ऐसा मैंने कहा, ये तो स्थिति जो है गंभीर होती जा रही है, खराब होती जा रही है, ऐसा क्यों? I hope it passes quickly. It didn't pass quickly. जो ओलो का तूफान था, हेलस्टोन था, ओले जो पड़ रहे थे, वो कह रहा था कि जल्दी पास हो जाना चाहिए, जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन वो जल्दी नहीं हुए। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. घंटे तक, एक घंटे तक जो है वो ओले पड़ते रहे, घर पर पड़ते रहे, गार्डन में पड़ते रहे, हिल साइड पे पड़ते रहे, कॉर्नफील्ड पे पड़ते रहे, और जाने की पूरी की पूरी घाटी पर जो है ये ओलावृष्टि होती रही। The field was white as if covered with salt. जो खेत है वो बिल्कुल सफेद हो गया था, ऐसा लग रहा था मानो नमक, चारों तरफ नमक ही नमक हो, नमक से कवर हो चुका, नमक है चारों तरफ। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, सारे के सारे जो फूल थे वो पौधों से चले गए थे। लंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो लंचो की आत्मा थी वो दुख से भर गई थी, लंचो दुखी था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing." कहते हैं जब जो हेलस्टोन है वो चला गया, तो वो लंचो जो है अपने खेत के बीच में खड़ा होके अपने बच्चों को कहता है कि अब लोकस्ट का मतलब क्या होता है, लोकस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई बिग स्टॉर्म, मतलब ऐसे होते हैं टिड्डी होती है, टिड्डी खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, झुंड में आते हैं और जो फसल को खराब कर देते हैं। उसी तरह से कह रहा है कि ये सिर्फ एक प्लेग है लोकस्ट का, इसके सिवा कुछ नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया बच्चों, अब कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा ओलावृष्टि ने। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल
हमारी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। लंच वो बहुत दुखी था, वो रात बड़ी दुख वाली रात थी। सारा का सारा जो कहता है उनका काम वो किसी का नहीं रहा, जो उन्होंने साल भर का काम किया था वो सब बेकार चला गया। कहता है हमारी कोई मदद नहीं करेगा, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे।